हेलो, 2022 का गेट का फॉर्म भरने के लिए पहले गूगल में गेट 2022 रजिस्ट्रेशन टाइप करके गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आएगा। यहाँ पे क्लिक करें, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे राइट साइड में नीचे अप्लाई ऑनलाइन करके ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करें। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुछ, आपका आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड या दूसरा कोई आईडी प्रूफ है वो आपको साथ में रखना है, और उसके बाद कलर कॉपी रखना है उस फोटो आइडेंटिटी की। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद हम अगर न्यू यूजर है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम और लिखेंगे, नीचे वो अपने आप आ जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं ABC LMN XYZ, तो वो नीचे अपने आप आ गया। यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू। उसके बाद नीचे हमारा फर्दर डिटेल्स हमें भरनी है, हमें अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। सो फॉर एग्जाम्पल xyz@gmail.com, वही हमें नीचे वही कंफर्म करना है, सेम कंफर्म ईमेल एड्रेस xyz@gmail.com। उसके नीचे हमें कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, मोबाइल नंबर आपका जो भी होगा वो लिखना है, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड कंफर्म करना है। उसके बाद हमें ये सॉल्व करके उसको सबमिट करना है। यहाँ पे हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो ऊपर लिख के आएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग गेट। आपको SMS और ईमेल जो आपने दिया था नंबर, उस पर आपको SMS आएगा और ईमेल आएगा, जहाँ पे आपका आईडी और वहाँ पे आपको ईमेल में आईडी मिल जाएगी। अब आपको उस ईमेल पे जाना है, अपनी आईडी वगैरह क्या है वो देखनी है, और वो आईडी आपको यहाँ पे कॉपी करनी है या लिखनी है। तो यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी या ईमेल एड्रेस में आप वो आईडी लिखेंगे, हमें नीचे उसके बाद पासवर्ड लिखना है। और पासवर्ड लिखने के बाद हम जैसे पहले सॉल्व करके हमने इसका आंसर सॉल्यूशन यहाँ पे रख दिया था, वो चेक करता है रोबोट भर रहा है या कुछ, तो इसीलिए वो ये ऑप्शन आता है। तो पासवर्ड लिखने के बाद हमें इसे सॉल्व करके करना है, हम आगे हमें ये ऑप्शन आएगा। सो हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स पहले बताए गए थे वो सब साथ में रखने हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव रेड द ऑल द ब्रोशर, और यहाँ पे स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म करना है। इस तरह का विंडो खुलेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेपर्स यू वॉन्ट टू अपेयर इन गेट 2022, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, क्योंकि हम आर्किटेक्चर के लिए भर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे, हमें एग्जामिनेशन के 3 सेंटर्स यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। तो हम जिसमें भी रहते हैं वो जनरली हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, या हमारी जो आसपास की सिटी होती है, उसके बाद सेकंड और थर्ड, ये हम अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भरेंगे। जैसे नागपुर, अमरावती और ये सब विदर्भ के हैं, तो अगर आप जहाँ पे भी रेसिडेंशियल है आप आसपास के अपने 3 सिटी भर सकते हैं। यूजुअली फर्स्ट सिटी मिल जाती है, लेकिन कभी कभी अगर वो फुल हो जाए तो सेकेंड सिटी और थर्ड सिटी उसलिए भरना जरूरी होता है। और ये भरने के बाद हम यहाँ पे इसे सेव करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसे सेव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड इसमें जाएंगे। इस फॉर्म में अभी अब हमको डेट ऑफ बर्थ अपनी जो भी है वो भरनी है। डेट ऑफ बर्थ हम करेंगे, यहाँ पे आएगा कि आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आर यू श्योर, यस कंटिन्यू, आपका जेंडर, नेशनैलिटी, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी, उसके बाद आप डिसेबिलिटी आपके है अप्लाई होती है या नहीं, और उसके बाद और कोई डिसेबिलिटी जैसे डिसलेक्सिया अप्लाई होती ही नहीं, ये सब। उसके बाद हम अपनी कंट्री और ये सब सिलेक्ट करके आगे एड्रेस भरने जाएंगे। एड्रेस में हम अपनी कंट्री, स्टेट और अपना पोस्टल एड्रेस प्रॉपरली फिल करेंगे।
उसके बाद हमने अपनी सिटी और टाउन सेलेक्ट करनी है, और ये एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद हम इसे सेव करेंगे, जैसे इसके पहले किया था वैसे इसे भी हम सेव करेंगे। फिर उसके बाद आएगा क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, हमें अपने कॉलेज का पिन कोड डालना है, हमारा कंट्री डालना है जहाँ पे भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, स्टेट डालना है, और वहाँ का इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर होता है, हमारे कॉलेज का आईडी होता है उस पर हमारा रोल नंबर या इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डाल आपको फिलअप करना है, आपका डिग्री कंप्लीट हुआ है या नहीं ये पूछेगा आपसे, आपको वो डिग्री डालना है, ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डालना है किस ईयर में हम क्वालिफाई हुए हैं, उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी का नाम डालना है जो हमारी डिग्री में जिसका जिस यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट का नाम है वो डालना है, और उसके बाद हमें कॉलेज का नाम डालना है। तो ऊपर हमें यूनिवर्सिटी का नाम डालना है और नीचे जो डिग्री पे जो नाम दिया आपका वो डालना है, और नीचे कॉलेज में आपका कॉलेज का नाम डालना है। हम आगे सेव करेंगे तो फिफ्थ पार्ट जो है इस फॉर्म का वो आएगा, यहाँ पे हमें अपलोड करना है, यहाँ पे आप नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपको किस एस्पेक्ट रेशो का फोटो, हाइट, वेट, ये सब आप नोट करेंगे और स्कैन कर, और ये हम अपलोड करेंगे एक एक करके। सो फोटो, सिग्नेचर और अपना फोटो आईडी, ये हमें तीनों अपलोड करना है। नीचे यहाँ पे डिटेल्स दिए गए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे ये सब जो इन्फॉर्मेशन भरी है ये सब सही है वगैरह करके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे हम अपना फुल, यहाँ पे हम अपना ई सिग्नेचर अपलोड करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपना पेमेंट्स ऑप्शन मिलेगा, हमें अभी पेमेंट्स ऑप्शन आप जिस चीज से भी भरना चाहते हैं, आपके पास जो कार्ड है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिस चीज से भी है आप वो पेमेंट कंप्लीट करेंगे, और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे जहाँ पे ऊपर लिखा होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट रिसीव सक्सेसफुली, तो ये आना जरूरी है। यहाँ पे फिर आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे और इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सब आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। थैंक यू।